मैं ये मान के चलता हूँ कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना कोई अकल की बात नहीं है। जब आप 10 की 10 सीटें जीत सकते हो लोकसभा में, तब तो आपका कोई गठबंधन नहीं था। बीजेपी को पीटेंगे, वो खुद बीजेपी के हो गए, तो मैं भी यही कहता हूँ कि भाई तुम अगर खुद बीजेपी के हो गए तो बीजेपी में शामिल हो जाओ। लेकिन बीजेपी को ये हो कि इनसे मिलके हम जाटों की वोट ले लेंगे, नॉट पॉसिबल। 1968 को हो गए अब 54-55 साल, इतने सालों से राजनीति सफर में मेरे पिताजी भी MLA रहे, मैं 5 बार वहाँ विधायक रहा, मेरी धर्मपत्नी विधायक रही, और हम ये कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन है ये इसलिए किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उसका ये भी फर्ज बनता था कि वो 40 सीटें लेके आई है तो राज बनाए जो राज चल सके, जिसमें स्टेबिलिटी हो। तो हम ये कह रहे हैं कि ये 5 साल का गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी 10 साल हो जाएंगे राज करते, अब वो पार्टी नहीं है जिसमें 2, 4, 6, 10 MLA होते थे। अब इस पार्टी का जन आधार बड़ा है, और कोई भी पार्टी जिसका जन आधार इतना बड़ा हो वो कभी किसी की बैसाखी लेके नहीं चलता, अपने आप चुनाव लड़ते हैं वो, और आज वो इस कैपेसिटी में है कि वो सिंगल हैंडेड चुनाव लड़ें। और दूसरी तरफ ये भी है कि हम पॉलिटिकल आदमी हैं, और पॉलिटिकली हम ये सोचते हैं कि हमें अगर राजनीति में रहना है तो हम ये भी सोचते हैं कि हम जिस चुनाव क्षेत्र को हम पिछले 54 साल से देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि हर बार हम जीते, हारे भी हैं वहाँ, लेकिन हम राजनीतिक पार्टी होने, राजनीतिक पार्टी में राजनीति को समझते हुए हम ये कह रहे हैं कि जनता बीजेपी अपने आप को इस ये समझे कि हम किसी की बैसाखियों पे नहीं चलेंगे, हम खुद, या मैं ये भी कहता हूँ, मैंने कहा है पार्टी को, मैंने कहा ये इतनी बड़ी जो आपने एक अलायंस किया है, या तो इसको कहो कि भाई तुम अगर हमारे साथ ही रहना है तो मर्ज कर जाओ, ठीक है, वैसा ही दुष्यंत, वैसा ही दूसरा है MLA, वैसे वो कहते भी कई पीढ़ी तो हमारे साथ में, ये जो थी पीढ़ी होगी तकरीबन कि हम तो साथ में रहे हैं आपके, आ रहे हैं वो, हाँ बीजेपी के, लेकिन वो मेजर पार्टनर थे, बीजेपी वाज ए जूनियर पार्टनर। अब वो, अब बीजेपी राज करती है देश पे भी और हरियाणा पे भी, अब वो ये सोचे कि अब हम ही मेजर रहे हैं तो वो तो नहीं रह सकते, इसलिए उनको तो या तो मर्ज करना पड़ेगा या बीजेपी को छोड़ना पड़ेगा, तीसरा ऑप्शन नहीं है उनके पास कोई भी। और मैं कोई ये तो होने का, आजकल मैं राजनीति में आऊँ, मेरा 52 साल का तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं ये समझता हूँ कि मुझे भी अगर ये फैसला करना पड़े तो मैं ये कहूँगा मैं अकेला चुनाव लड़ूंगा, मुझे JJP की कोई ज़रूरत नहीं, सीधी बात है। और अगर आप कमज़ोर हैं तो फिर आप सहारा लेंगे, कमज़ोर हैं नहीं आज के दिन, सीधी बात। और अगर इनको रखना है तो इनको मर्ज कराओ, ये भी 10 MLA और आपके बढ़ जाएंगे, 50 हो जाएंगे 40 से। लेकिन बीरेंद्र सिंह ये बात इसलिए कहता है कि बीरेंद्र सिंह को आज इस बात का पता है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी दूसरे दल के साथ मिलने की हरियाणा में कोई आवश्यकता नहीं है, ये है। तो क्या फिलहाल इस तरह की परफॉर्मेंस ले पाएगी बीजेपी की, किसी दूसरे का ये बैसाखी की जरूरत ना पड़े या किसी दूसरे के कंधे की जरूरत ना पड़े? देखिए दो स्थिति हैं, आप जो बात कह रही हैं वो हो सकता है चुनाव से बाद की बात हो, जैसे ऐसे हुआ अब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी यही बात कहते थे, नंबर वन हरियाणा, नंबर वन, वो भी 40 पे आगे टिक गए थे, और उनको भी बाहर से सहारा लेना पड़ा, और बीजेपी भी यही थी 75 पार, उनको भी 40 पे आके रुक गए सहारा। लेकिन सही मायनों में आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का
जो जन आधार है वो अब वो नहीं है जो पहले 10 साल पहले था। 10 साल पहले वो मजबूती नहीं थी, आज वो पूरी मजबूती है, और उस मजबूती के बल पे वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो क्यों किसी के साथ चुनाव मिलके लड़ेंगे। और जिस दिन ये भावना चली गई कि भारतीय जनता पार्टी आज भी ये समझती है कि हम कमजोर हैं, तो फिर कमजोरी का जो ग्राफ है ना वो लोगों के मन में आ जाएगा कि इसका मतलब ये है कि अभी भी ये नहीं मानते कि हम इतने मजबूत हैं। तो किसी भी पैमाने पे मैं ये मान के चलता हूँ कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना कोई अकल की बात नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं हम मैसेज ये दें कि हम आज उतने मजबूत हैं। जब आप 10 की 10 सीटें जीत सकते हो लोकसभा में, तब तो आपका कोई गठबंधन नहीं था। और आज आप ये कहो 5 साल के बाद कि नहीं अब हमारे को गठबंधन की जरूरत है लड़ते वक्त, तो मैं नहीं मानता है। ये 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 गलत सोच है। आपकी कभी दुष्यंत चौटाला से मुलाकात हुई? नहीं, वैसे तो कोई पॉलिटिकल तो कभी बातचीत नहीं हुई, लेकिन ब्याह शादी में कभी मिल गए, दुआ सलाम तो वो करता ही। अच्छा, बोलने में ठीक है वो, कोई अच्छा मतलब उसका ठीक ठाक है। बाकी ये है कि लोग जो है ना, आजकल आईटी का ज़माना है, लोग जो चश्मा लगा के जब देखते हैं ना तो सब कुछ दिखता है उनको, कौन क्या करता है कैसे है। तो वो जो एक जो लोगों का जो लेंस जो ये बता रहा था कि ये बीजेपी को पीटेंगे, वो खुद बीजेपी के हो गए, तो मैं भी यही कहता हूँ कि भाई तुम अगर खुद बीजेपी के हो गए तो बीजेपी में शामिल हो जाओ। लेकिन बीजेपी को ये हो कि इनसे मिलके हम जाटों की वोट ले लेंगे, नॉट पॉसिबल। अच्छा, ओपी चौटाला साहब से आपकी मुलाकात हुई दरमियान या इन सालों में कभी? होती रहती है उनसे तो, कोई मिल जाते हैं, वो भी किसी शादी में, ब्याह में, एक प्रोग्राम भी हुआ था पीछे रोहतक, उसमें भी हम इकट्ठे थे, हुड्डा जी भी थे, भूपेंद्र चौटाला साहब थे, मैं था। अब राजनीतिक व्यक्ति राजनीति की बात करते हैं, पारिवारिक बात करते हैं, दोनों तरह की रहती हैं आप लोगों की? नहीं, देखो राजनीति तो एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ राजनीति व्यक्ति नहीं, कोई भी कर सकता है। आप भी कर रहे हो मेरे से, आपने पारिवारिक बात कम की है, राजनीति की बात ज्यादा की। तो राजनीति में जब दो मिलेंगे तो राजनीति की बात भी करते हैं। खटास हो, जैसे कभी उन्होंने आपके लिए बयान दिया हो तो इस तरह की बताते हैं कि तुमने 3 साल पहले भाई हो बयान दिया था? नो नो, अच्छा ऐसा नहीं। वो ऐसी जो मुलाकात होती है ना, इनमें ये कोई नहीं भाई तू ये बोल गया, वो सब अपने मन में होता है। जब वो तो जब वक्त आता है तब हिसाब किताब होता है। तो आप लोग जाहिर क्यों नहीं करते जिस समय आप लोग मिलते हैं बोलते हैं? नहीं, पॉलिटिकल बात है ना, पॉलिटिकल बात में हम मतलब वहाँ हम किसी के यहाँ शादी में जाएं तो फिर वो तो बात तो उसी तरह की करनी पड़ती है, वो नहीं होता किसी के अफसोस करने जाएं, किसी के प्रोग्राम में जाएं। अच्छी बात है ये सारी, और होनी भी चाहिए। और एक स्तर पे आप राजनीति को छोड़ दो, राजनीति छोड़ के बात करोगे तो अच्छा वातावरण रहेगा, और राजनीति को राजनीति की तरह बात करोगे, प्रोग्राम कुछ हो बात राजनीति करो, वो भी घटिया बात है। और इसी तरह हरियाणा में अभी उस किस्म की मैच्योरिटी पॉलिटिकल सिस्टम में अभी आनी बाकी है। आहिस्ता आहिस्ता हो रही है इम्प्रूवमेंट, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो रही, लेकिन और बहुत ज़रूरत है।